हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यू की सीरीज चैप्टर 3 से रिलेटेड है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बेटा लोग बात करते हैं, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको बताता है कि किस तरह से क्या होगा। तो प्रीएम्बल हमारी कंट्री का कब तैयार हुआ, क्या कॉन्सेप्ट्स थे, कैसे फीचर्स थे, इन सब के बारे में एक क्लियर डिफाइन आपको करता है। देखिए, प्रीएम्बल से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इससे रिलेटेड चीजें अगर आप बात करेंगे, तो इंडियन प्रीएम्बल के फीचर्स क्या हैं, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, इसमें कौन सा केस है, इसके अमेंडमेंट कब हुए, अमेंडमेंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, बेसिक फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, कई सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी के अपना एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इंडियंस। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से देखेंगे, तो इसके प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया का यूज किया गया है, ना कि इंडियन का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन का प्रयोग नहीं किया गया, शब्द इंडियन यहाँ पर नहीं डाला गया इसलिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगर इसमें से कौन सा सत्य नहीं है अगर आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन पे कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो हैज बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd अमेंडमेंट इन 1976 सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नवंबर 26 1949। इसका आंसर आप लोग दीजिए, आप लोग सोचिए। आपको दिए मैंने 5 सेकंड, बहुत आराम से अगर आप ध्यान से सोचेंगे, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसे बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। जरा इसका जवाब देने की कोशिश करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड, आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो जवाब आपके दिमाग में आ चुका होगा। देखिए, डी पॉइंट बिल्कुल सही है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा चुका है, सेकुलर वर्ड अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अब बात की गई है 26 नवंबर 1949 को इसे एनेक्ट किया गया कि नहीं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपना प्रीएम्बल एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया गया, बट इसको पूरी तरह से इनेक्ट करने के लिए हमने डेट चूज की 26 जनवरी। तो यहाँ पर अगर बात करते तो 26 जनवरी की बात करते तो ऑप्शन सही होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका है ये आपका ट्रू नहीं माना जाएगा। हमारी बात तो 26 नवंबर की हुई थी, पर 26 नवंबर को नेशनल डे माना जाता है, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है, इसे रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एडॉप्ट तो कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बट इसको फाइनली हमने 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन। आप संप्रभु राज्य हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इंडिया किसी के अब कॉलोनी नहीं रहेगा, इंडिया अपनी कोई भी टेरिटरी ले सकता है या किसी को दे सकता है। इंडिया यूएन को फॉलो करेगा, ये ऑब्लिगेशन दुनिया की किसी कंट्री पे नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री सॉवरेन कंट्री है और जितनी भी सॉवरेन कंट्रीज हैं उनमें से किसी पर किसी की ना राइट्स नहीं चलते, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सॉवरेन मीन्स होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, एक्सटर्नल पावर को देखते हैं, रिपब्लिक है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती है। के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता होना चाहिए, 7 मेंबर्स में से एक थे के एम मुंशी, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी होगा। ये रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर आप इसे रट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रीएम्बल कमेटी कोई कमेटी ही नहीं थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, नन ऑफ द फॉलोइंग से मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों तो वैसे ही हट जाते हैं, ये और ये तो मतलब ही नहीं रखते। अब अच्छा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, भाई जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उस टाइम पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई मतलब ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 38 में इन्होंने भारतीय विद्या भवन, होम मिनिस्ट्री थी स्टेट की इन्होंने संभाली, एजेंट जनरल रहे 1948 में, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड रहे 52 से 53, तो इनको कई पोस्ट बाद में मिले पर ड्राफ्टिंग कमेटी के की मेंबर रहे हैं। इसके बाद विच ईयर बेरुबरी केस केम, बेरुबरी केस 1960 में आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो इन्होंने कहा था नहीं, तो नहीं है तो आप इसमें कुछ भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रीएम्बल जब इसका पार्ट नहीं होगा तो ये कोर्ट द्वारा, देयरफॉर इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा।
तो ओपन माइंड मेकर से इन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इसका पार्ट नहीं है, तो 1960 में केस आया था, इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है, स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वन रिलीजन इज प्रमोटेड नहीं देंगे, नन ऑफ द फॉलोइंग से मतलब ही नहीं है, एक बचा ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब हमारे देश में है कि हम हर एक धर्म को समान भाव से देखेंगे। नो स्टेट रिलीजन एग्जैक्ट मीनिंग द वर्ड सेक्युलर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म विच मीन्स इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन एज वेल एज प्रोटेक्टिंग देम इक्वली। तो ये वर्ड जो है यही ऑप्शन ए में लिखा है, तो इससे ऑप्शन ए को करेक्ट मान लिया जाता है। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सामाजिक समानता भारतीय संविधान में क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है ये गलत है, लैक ऑफ इक्वलिटी गलत है, ये दोनों वर्ड ही रॉन्ग दिए गए। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन वर्ड्स को सोशल इक्वलिटी के साथ वैसे ही नहीं एसोसिएट किया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट बचता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस पे क्या होता है, एक सिंपल सी चीज है, उनको रीड करने से ही आपको रॉन्ग क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, रॉन्ग आंसर से ऑप्शंस पता चल जाते हैं, तो आप उनको वहां से माइनस करते जाइए। तो एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है किसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए। तो अगर किसी चीज को एलिमिनेट आप कर पाते हैं तो आप एक पॉजिटिव अप्रोच में जाते हैं, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी यहाँ से। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑप्शन ए इसका सही है। तो अर्नेस्ट बार्कर डिस्टिंग्विश इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने पॉलिटिकल विजडम ऑथर की प्रीएम्बल में जो थी इसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया, और इन्होंने कहा की नोट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका ऑप्शन ए सर करेक्ट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बेरिबरी केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा, गलत है। यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से नहीं लिया गया, ये जो है प्रीएम्बल हमारा बेटा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारी कंट्री का था, उसके थ्रू इसको हमने बनाया है, और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो हमने ये कहीं से ड्राइव नहीं किया, हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी को हमने बाद में सीधे प्रीएम्बल बना दिया, तो हम इसी चीज को मानेंगे। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस की नोट में हर चीज आपको लिखी मिलेगी, अगर आप इसको भी एक बार देख लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कहाँ क्या क्या चीजें इसमें डाली गई। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोग आपको लेक्चर पढ़ा देंगे, बट ये इवन मैंने भी अपने वीडियो लेक्चर में इस चीज को नहीं डाला। लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज मतलब किस तरह प्रीएम्बल बनेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या होता है, मैनी प्रीएम्बल यूज लीगल लैंग्वेज, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ लॉयर एड्रेस द प्रोफेशनल जस्ट सिविल जस्ट पॉलिटिशियन, गिवन द फैक्ट प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन, तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं आना चाहिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। तो हमने इसको थोड़ा ईज रखा और हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से उठाया, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी लैंग्वेज को हमने लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। इस तरीके से अगर आप सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल सही से याद हो जाती हैं। जैसे क्वेश्चन वन से आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में आपको बताया गया है कि प्रीएम्बल में जो इसकी उद्देशिका है उसमें कौन सा शब्द यूज नहीं किया, तो भारतीय शब्द नहीं यूज किया गया। इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, 26 नवंबर को सच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तैयार हो गया, साइन हो गया, बट इसको पूरी तरह से फोर्स हमने 26 जनवरी को किया था, तो इसकी डेट ये गलत मानी जाएगी। इसके बाद सॉवरेन होने का मतलब है आप पूरी तरीके से अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी टेरिटरीज फ्री है, सॉवरेनिटी है आपके पास, ठीक है। तो जब सॉवरेनिटी आपके पास है तो यूएन को आप क्यों मानेंगे, के एम मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। बेरुबरी केस 1960 में आया था। उसके बाद सेकुलर वर्ड का मतलब होता है कि रिलीजन, फॉरेन में अगर वेस्टर्न में बात करेंगे तो बेटा रिलीजन की वैल्यू बिल्कुल अलग से दी गई है। इसके बाद कोई भी सेकुलर वर्ड हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि स्टेट से रिलीजन अलग कर दिया जाए, सब रिलीजन को इनको सम्मान देना पड़ेगा, ये लिखा है। और यहाँ पर इक्वेलिटी, सोशल इक्वेलिटी का मतलब है सबको इक्वल स्टेटस देना। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बोला है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कीनोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्नेस्ट बार्कर ने बोला है, अर्नेस्ट बार्कर के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेरुबरी और केशवानंद भारती केस जो है वो दोनों यहाँ पर हमने आपको लिख के दे दिए हैं, ये दोनों केसेस यहीं से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपको नोट्स मैंने दे दिए इनसे रिलेटेड। इसके बाद प्रीएम्बल की लैंग्वेज जो है, देखिए इजी लैंग्वेज रखनी है,
अंडरस्टैंडिंग तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के प्रेमवेल से उठाया हुआ है। तो इतनी चीजें लैंग्वेज की बात है, पूरा आइडियोलॉजी की बात नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई भी इशू है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।